राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में। और अभी मैं हूँ दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, और एयरपोर्ट का ये नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं। जो यात्री हैं वो अपने देश को छोड़कर विदेश जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और यहाँ से उनकी एंट्री होती है गेट 1 से लेकर 7 तक है यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप। और अभी चेक इन शुरू हुआ है, मैं भी अभी इंतज़ार में हूँ कि चेक इन हो और बोर्डिंग पास है वो मुझे मिले, और उसके बाद जो सिक्योरिटी चेक इन होता है वो होगा, फिर आपसे आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और जो एयरपोर्ट का नज़ारा है वो आपको दिखाएंगे कि एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी सफाई है, सबसे ज़्यादा सफाई इंडिया में मुझे लगता है कि एयरपोर्ट के ऊपर ही है। वैसे तो हम सभी भी जहाँ भी काम करते हैं, जैसे स्कूल में, घर में, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, तो वहाँ हमारा कर्तव्य रहता है कि हम भी साफ़ सफाई रखें और इनकी तरह ही साफ़ सफाई रखें। जहाँ सफाई होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, भगवान निवास करता है। तो दिखाएंगे आपको एयरपोर्ट का नज़ारा चेक इन के बाद, जैसे बोर्डिंग पास मिलेगा उसके बाद। ये जो काउंटर देख रहे हो आप, यहाँ पे बोर्डिंग पास मिलता है और उसके बाद एंट्री होती है किसी भी पैसेंजर की अंदर जाने के लिए। उसके बाद जो आप देख रहे हो यहाँ पे जोन 7 लिखा हुआ है, सिक्योरिटी पासपोर्ट एंड सिक्योरिटी चेक, वहाँ पे जो आपका बैग होता है चेक इन हैंड बैग, उसको चेक किया जाता है और बिल्कुल बारीकी से, माइक्रो चेकिंग बोलते हैं जिसको, वो चेकिंग होती है। जैसे चार्जर है, बेल्ट है, ईयरफोन होता है, कुछ भी इलेक्ट्रिक सामान लगा लो कि जो बैग होता है उसको बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से चेक किया जाता है। उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि आपको कौन से गेट नंबर पर जाना है। यहाँ गेट 1 से 126 यानी कि 1 से 26 तक गेट हैं जो यहाँ पे हैं, और अभी यहाँ का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, 4000 मीटर जो समुंदर तल से ऊंचाई होती है, और करंट वेदर हेज यहाँ पे दिखा रहा है 8:53 और 52 सेकंड 20 मार्च का समय। और ये देखो आप, यहाँ पे जो विदेशी हैं वो भी आए हुए हैं और लंबी लंबी लाइनों में इंतज़ार करते हुए लोग कि कब सी हमारी बारी आए और कब सी हम अपना जो जहाज़ है उसके पास पहुँचें और उड़ान भरने के लिए तैयार हों। और ये रखा हुआ है मेरा सूटकेस, अभी मैंने वज़न किया था इसका, 23 kg से कम है। और ये जो पिट्ठू बैग है इसमें थोड़ा वज़न ज़्यादा है, 9 kg के आसपास, लेकिन हम इंडिया वाले हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं, तो इसके अंदर से थोड़ा बहुत सामान हम पहन लेंगे और उसके बाद जो सामान है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी चेक होती है वहाँ जाएंगे। अप्रवासन एवं सुरक्षा जांच अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान जोन 7। यहाँ पे देख सकते हो आप फुल भीड़ लुफ्तांसा एयरलाइन की। देखो आप, अभी अपनी भी बारी आएगी, अपना भी समय आएगा और हम भी पहुँच जाएंगे जल्दी ही एयरलाइन में। ये देखो आप, लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, और अधिकतर
फॉरेन है, विदेशी हैं, और साथ में हैं सरदार जी। इंग्लैंड के और कनाडा के। फाइनली मेरी बारी आ ही गई और बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है। अभी इमिग्रेशन में जाएंगे, वहाँ कुछ क्वेश्चन होंगे और उसके बाद आगे का आपको दिखाएंगे। फाइनली जो इमिग्रेशन बोर्ड था उसको पास कर दिया। कुछ क्वेश्चन पूछे उन्होंने, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गोइंग कनाडा एंड होटल स्टे, व्हाट इज़ योर वर्क इन इंडिया। आई से आई एम इन स्कूल टीचर एंड व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस देयर, 12 ईयर्स एक्सपीरियंस। और उसके बाद उन्होंने स्टैंप लगा दी और अब सिक्योरिटी चेकिंग में बैग की चेकिंग होगी और उसके बाद जाएंगे एयरलाइन की साइड। फाइनली जो सिक्योरिटी चेक था वहाँ से मैं निकल गया और इन्होंने क्या रखा मेरा बता देता हूँ आपको, भी आगे दिक्कत ना हो इसके लिए। जो बजाज आमंड ड्रॉप्स ऑयल था, 1 लीटर की पैकिंग डाल रखी थी, वो रख ली। और जो खाने पीने का सामान था वो इन्होंने निकलवा के देखा, जैसे पराठे डाल रखे थे और जो लड्डू डाल रखे थे सचिन के लिए जो उधर जाएंगे वो। बाकी पिल्लो कह रहे थे, उसकी मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मान ली। तो कोई भी लिक्विड पदार्थ है जो आप लेकर ना जाएं, जैसे 100 ml से ज़्यादा ना हो। और अभी चेक इन एंड उड़ान की जानकारी, फ्लाइट चेक इन इंफॉर्मेशन, LH 763 म्यूनिक, दिल्ली से म्यूनिक, 16 मिनट टू गेट, गेट नंबर 11 दिखा रखा है। ये स्क्रीन लगी हुई है, आप देख सकते हो। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको क्या क्या है, क्योंकि फ्लाइट में अभी समय है हमारे पास। एक बार फिर से देख लें, तसल्ली कर लें अपनी फ्लाइट की, LH 763 150, गेट स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे 11। द्वार तक पहुँचने का समय लगेगा 16 मिनट, पैदल ही जाना पड़ेगा। और आगे आपको दिखाते हैं इंडियन लिकर, जो भारतीय शराब होती है, ये वो शराब नहीं है जो गांव में बनाते हैं गुड़ की भट्टी में, ठीक है ना सरदार जी? अच्छे टेक्नोलॉजी करो सर। हाँ बिल्कुल। कौन सा चैनल है? विलेज लाइफ विद सीमा एंड रंगीला, हरियाणा। ओ हरियाणा, कहाँ से? टोहाना डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। कैसे हो आप? मैं भी टोहाना, मतलब मैं सरियाणा, सरियाणा से हूँ। अच्छा हाँ, सनियाणा। हाँ जी, तुसी किस प्रॉपर्टी? 22 किलोमीटर, कन्नड़ी गांव। ओ कन्नड़ी, भाई है मेरे दोस्त है कन्नड़ी से बहुत सारे। अच्छा अच्छा, हाँ जी मेरे, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ हो गया, इमिग्रेशन हो गया, चेकिंग हो गई, सारा कुछ हो गया। पंजाब में कहाँ से? हाँ वेटिंग। ये अपने दोस्त हैं जालंधर से, इनको भी आप खूब सारा प्यार देना, आशीर्वाद देना। हाँ जी, हैव ए सेफ जर्नी, मिलते हैं आगे कनाडा। विलेज लाइफ विद सीमा एंड रंगीला, हरियाणा। लोग आएंगे विलेज लाइफ विद सीमा पे। कहाँ जा रहे सर आप? टोरंटो। टोरंटो सर, हम वैंकूवर जा रहे हैं। कहाँ से आए? स्टे कहाँ पे? म्यूनिक है? म्यूनिक। म्यूनिक, चलो ठीक है, हम यहाँ से। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भाई साहब तो अभी कर रहे हैं। मेरा नाम सुखबीर है। अच्छा अच्छा, शहरी मिसिज का नाम है, वही हैंडल करते हैं। क्या नेम है सर? विलेज लाइफ विद सीमा, लाइफ विद सीमा। तो सर ट्रेंडिंग ज्यादा? हाँ जी बिल्कुल, 1,21,000। तो ये भाई साहब है सरदार जी सनियाणा से, और ये भाई साहब जालंधर से हैं। कदम आएगा ब्लॉग? कल आएगा ब्लॉग, फिर ठीक है। बिल्कुल, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है जी, कर ले। और एक बार रंगीला हरियाणा, उस पे है 96,000 के आसपास, उसको भी एक बार आप। रंगीला, रंगीला हरियाणा, हरियाणा। दूसरे नंबर पे यार। ओ माय गॉड,
सही है। और ये तो जो भाई हैं सनियाना से आपके कुछ जैसे गांव से ही हैं वो जा रहे हैं दुबई रहते हैं सलीम नाम है उनका और उनके जो पूर्वज थे जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो वो अब दुबई में रहते हैं। हम भी वो जिक्र करते हैं। मेरे भी बुजुर्ग पाकिस्तान से है बापू मेरे दादाजी परदादा जी। हाँ हाँ हाँ। और ये भाई साहब जालंधर से हैं, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई दिल से। इनको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और ये अब व्लॉग अपने देखते रहेंगे लाइफ टाइम। ठीक है सरदार जी। धीरे धीरे कदमों से गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हुए 3 से 14 दिखा रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे 4 से 14 आ जाएगा आगे। तो इस प्रकार गेट नंबर 11 पे पहुँचेंगे हम और यहाँ पे जैसे कोक टेस्ट विद 0 शुगर जो कोल्ड ड्रिंक है वो देख रहे हो आप, पहले भी दिखाया था आपको। और वाटर बोतल है, माजा है, स्प्राइट है। ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो है। और मैं तो दूसरी जगह से आ गया पैदल चलते हुए, अभी मैं जाऊंगा उन सीढ़ियों से, इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ बोलते हैं जिनको, ये चलती रहेंगी और मुझे अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचाएंगी। इस पर क्या होगा, इस पर मैं चल पड़ा, अब मुझे चलना नहीं पड़ेगा, अब ये चलेंगी जो सीढ़ियाँ हैं। बाकी सही है, इस पर भी धीरे धीरे चलेंगी ये और पहुँच जाएंगी। ये देखो कितनी तेज गति से भागते हुए। लोगों की जो जल्दबाजी है वो चलती रहती है, क्या पता भाई साहब की जो फ्लाइट है वो निकलने वाली हो इसलिए तेज जा रहा हो। बाकी जो इलेक्ट्रिक ऑटो बोलते हैं जिसको, रिक्शा सी, वो भी होती है यहाँ पे आगे जाने के लिए। और वो देखो 1B का जो वेटिंग एरिया है, जो आगे चेयर देख रहे हो आप वहाँ पे, अभी आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। नहीं जूमिंग नहीं हो रही इसलिए आप नहीं देख पाओगे। गेट नंबर 4 पे पहुँच चुके हैं हम। 3A 3B का द्वार है वहाँ पे और जगह जगह पे बहुत ही सुंदर प्लांट्स, देखो कितने सुंदर पौधे दूधिया रोशनी में चमकते हुए। और ये मनी प्लांट का पौधा है, ये बड़ा पौधा है इसका मुझे इतना नहीं पता। और एक ये पौधा है देखो आप, ये पौधे हैं। और ये जो सीढ़ियाँ थी वो ख़त्म हो गई, अब थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद फिर आएंगी वही सीढ़ियाँ, उनके पर चलेंगे और फिर आपसे आगे मिलेंगे। ये देखो 3 नंबर उल्टा दिख रहा है आपको, सुल्टा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो। और फिर से आ गई हैं सीढ़ियाँ, इन्हीं सीढ़ियों से जाएंगे हम आगे। गेट नंबर 11 पर पहुँचना है हमें। और देखो यहाँ पे क्या है, स्मोकिंग रूम भी है, धूम्रपान कक्ष कमरा, जो धूम्रपान के शौकीन होते हैं उनके लिए। लेकिन हम तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से कोसों दूर हैं। और जो वृद्ध हैं चलने में सक्षम नहीं है उनके लिए एयरपोर्ट पे ये रिक्शा जो देख रहे थे आप। और बहुत बड़ा है ये दिल्ली का एयरपोर्ट। और ये शुरू हो जाती है रॉयल स्टैचू इंडियन वाइन 2455 90 4499 99 90 99 90। लेकिन अपन दूर इन चीज़ों पर, जॉनी वाकर कंपनी है ये, फॉरेन की लग रही है मुझे, बाकी दूर ही रहना चाहिए इन चीज़ों से जो नहीं पीते। और देखो कितने अच्छी तरह से इनको सजा कर रखा गया है, ब्लैक लेबल, गोल्ड लेबल, बहुत ही सुंदर दृश्य। और भी दिखाएंगे आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, अभी तो शराब का स्टेटस चल रहा है। और ये देखो कितनी बड़ी वोडका की बोतल,
तीन चार लीटर आएगा इसमें तो 93.90 9390 रुपए की। ये देखो आप, एक ये है ग्रे गूस ए लिटल बिट ऑफ इंडिया बाय दिल्ली ड्यूटी फ्री, बहुत ही सुंदर दृश्य है, लेकिन दूर रहना चाहिए इन चीज़ों से, शराब वगैरह से। ये देखो शराब ही शराब, जो पिएगा शराब वो हो जाएगा खराब। और ये लेडीज का सामान है, मेकअप का, ये ब्रश वगैरह रखे है देख सकते हो आप, और ये क्रीम बहुत कॉस्टली होती होंगी शायद ये, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा। ये परफ्यूम वगैरह रखे हैं, डर एडिट मिस डर डर होमी स्वेज, और ये शीशे, छोटे छोटे शीशे, मेकअप के शीशे। तो कैसा लग रहा है आपको ये दृश्य? मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, जिसका मैं इजहार ब्लॉग के ज़रिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो सिक्योरिटी थी तीनों इमिग्रेशन, उससे पहले जो चेक इन बैगेज था वो, और लास्ट में जो सिक्योरिटी थी, ये है डीजल लिखा हुआ है, लेकिन ये वो डीजल नहीं है जो गाड़ियों में डलता है। और ये मेकअप का सामान यही है यहाँ पे ज़्यादातर, और ये चहल पहल ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सुंदरता। ये बॉस बॉस कैनल, और ये भी यहाँ पे शराब ही शराब, पिएगा जो शराब हो जाएगा खराब। ये मफलर, और ये देखो ये सुंदरता, गाय के नीचे दूध पीता हुआ बछड़ा, घोड़े और बैल, श्री गणेश जी महाराज, शिव परिवार, श्री राम दरबार सजा हुआ, बाबा बजरंगबली यहाँ पे, गणेश जी महाराज, बाबा बजरंगबली जी और माँ शेरावाली, सभी देवी देवता। और ये दुनिया का एक अजूबा ताजमहल यहाँ पर, और ये पाँव में पहनने के लिए जूतों के ऊपर से ये मालाएं यहाँ पर, इंडिया इंडिया की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे दिखाई जा रही हैं आप सभी को, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे क्या है, मिल्का बिस्किट वगैरह है ये यहाँ पे, लिंडोर, फुल कॉस्टली सामान। और ये यहाँ पे डेरी मिल्क का जो क्या बोल सकते हैं हम इसको, काउंटर, आप भी डेरी मिल्क का स्वाद चख लीजिए इन टॉफियों के द्वारा। और ये यहाँ पे हाथी घोड़े पान की, जय बोलो हनुमान की, हाथी घोड़े ढोलक, और यहाँ बैगेज, और आगे दिखाते हैं, ये इंडियन टी, असम की चाय, भारत का असम जो राज्य है वहाँ की चाय, तीन खरीदने पर एक फ्री, लेकिन मैं यहाँ से एक भी नहीं लेके जा रहा। और ये है मसाला चाय दार्जिलिंग की, 75 टी बैग्स। उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं, और ये बेस्ट बाई है सी साल्ट, ए टच ऑफ सी साल्ट, डार्क चॉकलेट, रिच डार्क, डार्क चॉकलेट होगा कुछ खाने पीने का सामान, लाल मिर्च रखी हुई है यहाँ पे, और ये दिखा रहे हैं आपको, इसमें है चॉकलेट वगैरह। और ये रेड लेवल की शराब, ये सिगरेट, वाइन, और लिंडोर, ये फिर शराब की दुकान, ये पतीसा, भारतीय मिठाइयाँ, पतीसा, एक खरीदने पर एक फ्री, लेकिन रेट से अपने को रखनी है दूरी,
ये है गर्म वाटर, हॉट वाटर बोलते हैं इसको। और ये भी कुछ ऐसा ही है नशीला पदार्थ। और ये है सुपर ड्राई ड्यूटी फ्री, यहाँ पे बैगेज हैं और साथ में यहाँ पे है टी शर्ट वगैरह, देख सकते हो आप, टी शर्ट ही टी शर्ट, ड्यूटी फ्री टी शर्ट जो कस्टम ड्यूटी है शायद वो नहीं लगती यहाँ पे। और यहाँ पे अटैची रखी हुई है, ये बैग लेडीज बैग। बाकी आपको यहाँ का दृश्य कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करना, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा क्योंकि ये व्लॉग है ना मैं बना रहा हूँ। हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट पे अरमान एक्सचेंज, अरमानी एक्सचेंज सॉरी। यहाँ पे जैकेट, टोपी, हैंडबैग, पिट्ठू बैग बोलते हैं जिसको, शर्ट और जैकेट आदि। और यहाँ पे घड़ी, वॉच, स्वार्कोवस्की कंपनी, द वंडर ऑफ लव, प्यार का आश्चर्य, गेट नंबर 1 से 26, 7 से 9 मिनट लगेंगी और हमें जाना है कौन से गेट के ऊपर, 11 नंबर के ऊपर, बेल रोज। तो हम भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए, ये देखो आप, आपको मैसरिटी की घड़ियां दिखा रहे हैं, दिल्ली ड्यूटी फ्री जो सामान है वो आम्रपाली जयपुर, जयपुर राजस्थान का दृश्य है। और बैठे हैं सरदार जी, हेलो सरदार जी, कैसे हो आप, ठीक हो, और ये तेजस्वी फेशियल घी क्रीम फॉर इंस्टेंट रेजिडेंस, 5 से 7 मिनट लगेंगी गेट पर जाने के लिए हमें, 1 से 26। और एक बार फिर से देखते हैं हम फ्लाइट इंफॉर्मेशन, आपको यहाँ से अच्छी तरह से दिखेगा जो अपनी है LH 763, गेट नंबर 11 आपको दिखा दिया मैंने। और यहाँ पे फ्री वाईफाई का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे, सपा, फूड कोर्ट, टॉयलेट उस साइड है, गेट नंबर 1 से 126। और जब भी आप आओगे यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, जैसा कि मुझे फील हो रहा है। बॉडी शॉप ड्यूटी फ्री है और लैकोस्टी लगा लो आप, यहाँ से कुछ भी सामान खरीद सकते हो जो भी आपको इच्छा हो। पहुँच गए हम गेट नंबर 11 पे और यहाँ पे कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं अभी प्लेन में, थोड़ा सा टाइम है तो वेट करना पड़ेगा इनके साथ, हम भी वेटिंग एरिया में बैठेंगे अभी और देखेंगे कि आगे का जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है, आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। ये देखो आप एयरपोर्ट पे भी सामान रखा हुआ है, तेल भी रखा हुआ है, फोग, सेट वेट, निविया का फेस वॉश रोज फ्लेवर में। और देखो ये एक बात समझ नहीं आई, आप बताना मुझे, आपको पता हो तो। और ये दवाइयाँ भी हैं कुछ, ब्यूटी फ्रॉम विद इन, कोल्ड फ्लू, इम्यूनिटी, एवरी हेल्थ, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, सभी प्रकार की दवाइयाँ हैं यहाँ पे। वी केयर फॉर योर गुड हेल्थ, सप्लीमेंट भी हैं, वेट मैनेजमेंट भी है, हेल्थ फूड्स भी हैं। अच्छा वो पूछ रहा था मैं आपको, एक बात समझ में नहीं आई, जैसे इन्होंने मेरे से जो मेरा ऑयल था वो निकलवा लिया और फिर ये यहाँ पे भी ऑयल बेच रहे हैं, हो सकता है वो सिक्योरिटी पर्पज़ हो इसलिए निकलवाया हो, लेकिन फिर जो रूल होते हैं वो इनके लिए भी लागू होने चाहिए,
बस मैं तो इतना ही कहूँगा। अब सिक्योरिटी है उनके साथ बहसबाजी तो क्या करनी, क्योंकि हमें उनका सहयोग करना चाहिए। और रूस के हमले तेज़ हो चुके हैं दुनिया में। पहले जो मेरा वीज़ा आया था रूस का आया था, फिर मैं वहाँ नहीं गया रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान करके। और उन्होंने पूछा भी था मेरे से अभी इमिग्रेशन पे कि आपका जो वीज़ा है रूस का है लेकिन आप यहाँ नहीं गए क्यों। फिर मैंने उनको बताया कि जो भारत के टूरिस्ट थे उनको बेलारूस में आर्मी में भर्ती कर दिया उन्होंने, और बेचारे वो अभी वीडियो बना बना के डालने लग रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। गेट नंबर 7 आ गया है, हमें जाना है गेट नंबर 11 पे। 8 गेट नंबर इस साइड है, 9 से 14 गेट यहाँ पर हैं।